तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। असद बाबा नगर किशनबाग में और एक नौजवान का कत्ल। चंद नामालूम अफराद ने 25 साल मोहम्मद खलील उर्फ अनु को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसे जख्मी हालत में दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत वाकई हो गई। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी और खातियों की तलाश शुरू कर दी। नाजरीन, रमज़ान शरीफ के शुरू होने के बाद से यह तीसरा कत्ल है। एक माह में सिर्फ किशनबाग में 3 कत्ल हो गए। बड़े अफसोस की बात है कि ये कत्ल सिर्फ बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के एक ही सेक्टर 3 में हो रहे हैं। पुलिस की चौकसी के बावजूद कत्ल हो रहे हैं। मकामी लोग आए दिन खतर से डर रहे हैं। किशनबाग में जराइम की वजह चबूतरा और गांजा बताया जा रहा है, और किशनबाग में छोटे छोटे नौजवानों की टोलियां हैं जो अक्सर महल्ले वालों के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। पुलिस को चाहिए इन टोलियों और गांजा फरोख्त करने वालों और इनके हिम्मत अफजाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ओके सर, सबका आदाब। आज एक बहादुरपुरा पीएस लिमिट्स में एक मर्डर का रिपोर्ट हुआ था, तो हम लोग आके यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब भी उसको पकड़ने की कोशिश चल रही है। जो डिसीज का डिटेल्स है, मोहम्मद खलील अलियास गन्नू, जो 25-27 साल का उम्र है, उनका एक्चुअली जब जो भी लाइव विटनेस थे यहाँ पे ऑलरेडी उनका इंजरीज थे, तो यहाँ पे इमीडिएटली शिफ्ट किया बॉडी को OGH पे। वहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हुए उनका डेथ हुआ। उनका जो भी रिलेटिव सब वाइफ है, एंड CC फुटेजेस और जो भी अक्यूज है थ्रू और बाकी उनका फैमिली मेम्बर से भी पूछताछ चल रहे हैं कि कोई पुराना झगड़ा वगैरह है क्या, आपकी उसको पकड़ने की कोशिश चल रही है। थैंक यू सर। ये रेसिडेंट आप कहाँ थे और क्या काम जॉब करते हैं? ड्राइवर है अभी रेसिडेंट। बाकी डिटेल्स अभी पेरेंट्स वहाँ पे अच्छी वो सिचुएशन पे अभी पूछताछ नहीं चल पाए, पूछ सकते अभी थोड़ी देर में। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।